दोस्तों, अगर आप भी अपने सूर्योदय बैंक में ऑनलाइन एफडी ओपन करना चाहते हैं, वो भी बिना बैंक खाते के, तो दोस्तों किस प्रकार से आपको एफडी ओपन करनी है, क्या प्रक्रिया होती है, संपूर्ण जानकारी घर बैठे ही हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। और आप आसानी से फिक्स डिपॉजिट अकाउंट घर बैठे ही सूर्योदय बैंक में खोल पाएंगे, जिसमें आपको 9% से ज्यादा का ब्याज आसानी से मिल जाएगा, जो कि दूसरी बैंकें आपको इतना ब्याज नहीं दे रही है। तो कैसे खोलना है, पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको अपने गूगल पे आ जाना है, और गूगल में आने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है सूर्योदय बैंक एफडी ओपन। इतना लिखने के बाद आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने ये जो है पहली वेबसाइट खुलेगी। देखिए, ये पहली की बात है, पहली तो उज्जैन बैंक की है, उसके नीचे सूर्योदय बैंक की आ रही है, यानी कि ये दूसरी हुई, आपको इसी को ओपन करना है। ओपन करते ही देखिए इस प्रकार से पेज आएगा, जहां पर दिखा रहा है देखिए ओपन सेविंग अकाउंट, या आप कुछ समय का वेट करेंगे तो इस प्रकार से देखिए ये होम पेज पर रिडायरेक्ट करेगा, और अब आपके सामने एक पॉपअप आएगा। तो चलिए कुछ सेकंड का हम इंतजार कर लेते हैं, और देखिए इस प्रकार से ये जो है पॉपअप आ गया। फिक्स डिपॉजिट यहाँ पर देखिए लिखा है बुक एफडी नाउ, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, न्यू कस्टमर और एग्जिस्टिंग कस्टमर। अगर आपका पहले से इस बैंक में खाता है तो आप एग्जिस्टिंग चुनेंगे, और अगर आपका खाता इसमें नहीं है, आप बिल्कुल नए आ रहे हैं, तो आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे, यानी न्यू कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद देखेंगे आपके सामने इस प्रकार से पेज आएगा, और पहले तो आपको लोकेशन को अलाउ करना है, तो ऑल टैब पे क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है और सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ डालना है और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी वेरीफाई होते ही देखिए इस प्रकार से पेज आएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नेम ऑफ पैन कार्ड, यानी पैन कार्ड के ऊपर क्या नाम है वो आपको यहाँ भर देना है। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, और उसके बाद ये चेक मार्क लगाना है और सेंड ओटीपी के बटन पर क्लिक करना है। तो जो आपका आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, और ओटीपी को आपको वेरीफाई कराना होगा। ओटीपी वेरीफाई कराते ही देखिए इस प्रकार से आपका सारी जानकारी, आधार से डेटा है वो खुल जाएगा। तो यहाँ पर कुछ जानकारी तो पहले से भरी होगी, लेकिन कुछ जानकारी यहाँ पर नहीं भरी होगी, जैसे मदर का नाम यहाँ पर नहीं भरा होगा। उसके बाद सपोज क्या यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, आप मैं सिंगल है, मैरिड है, वो सिलेक्ट करना होगा। आपकी एजुकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, इनकम क्या है, ऐसी कुछ जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। उसके बाद आपका एड्रेस यहाँ पर क्या है, और आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज में आपको नो सेलेक्ट करना है, तो ऐसी जानकारी आप यहाँ पर भर के और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए अगला पेज आएगा, जिसमें आपको बताना है कि आप कितने रुपए की एफडी करना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जैसे बताया जा रहा है कि अगर आप 90,000 रुपए से ऊपर की या फिर एक साल से ज्यादा की यहाँ पर एफडी बुक करते हैं, तो आपको वीडियो केवाईसी करनी होगी। और अगर आप 90,000 रुपए से कम की और एक साल से भी कम की अगर एफडी ओपन करते हैं, तो आपको वीडियो केवाईसी करने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड, ज्यादातर लोग हमेशा एक साल से ऊपर की ही एफडी बुक करते हैं, और यहाँ पर 90,000 से ज्यादा की भी कर सकते हैं, तो उनको वीडियो केवाईसी करना जरूरी है। तो वो बाद में वीडियो केवाईसी करेंगे, उसके पहले जान लेते हैं कि हमें इस पे कितना इंटरेस्ट रेट देगा। तो हमें व्यू एफडी रेट पे क्लिक करना है, और यहाँ पर देखिए किस महीने पे कितना हमें ब्याज दिया जा रहा है। तो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, तो यहाँ पर आपको देखिए अधिकतम 9.10% की यहाँ पर ब्याज दर देखने को मिल जाएगी। वहीं आप नॉर्मल हैं, आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं, तो आपको यहाँ पर 8.65% की ब्याज दर देखने को मिल जाएगी, जो कि अच्छी ब्याज दर है, इतना कोई भी बैंक नहीं देता है। तो यहाँ पर अगर आप 18 महीने के लिए करते हैं, तो आपको 8.50 का ब्याज दर मिल जाएगी। तो आपको चेक मार्क लगाना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पर भर जाएगा। अब आपको नीचे आना है और कुछ मामूली जानकारी भरनी है, जैसे कि देखिए आप पेमेंट कैसे लेना चाहते हैं, आप मंथली लेना चाहते हैं या क्वार्टरली लेना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर बता के कैलकुलेट कर दीजिए। उसके बाद नीचे चले आइए, और नीचे आने के बाद देखिए आपको यहाँ पर दिखाएगा कि कितना आपको यहाँ पर ब्याज मिलेगा, सब कुछ चेक कर लीजिए। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर देना है कि आप इसे रिन्यू कराना चाहते हैं कि रिन्यू नहीं कराना चाहते हैं ऑटोमेटिक, तो हम रिन्यू नहीं कराना चाहते, तो डू नॉट रिन्यू चुना है हमने। उसके बाद देखिए अगर आप नॉमिनी देना चाहते हैं, तो न्यू पे क्लिक करेंगे और नॉमिनी की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। उसके बाद देखिए अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो यस करेंगे,
अगर नहीं खुलवाना चाहते हैं नो करेंगे। और सेविंग अकाउंट अगर आप खुलवाते हैं तो क्या चेकबुक चाहते हैं, क्या आप डेबिट कार्ड चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बतानी होंगी। उसके बाद नीचे आना है और आपको नॉमिनी की जो डिटेल्स है वो नॉमिनी की डिटेल्स भरनी होगी। उसके बाद देखिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं 10 लाख से ऊपर FD खुलवाने में तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका जो है जो UPI ID है वो यहाँ पर दिखाएगा, जो ऑटोमेटिक फेच कर लेगा। उसके बाद देखिए आपको इसे वेरीफाई करना है और यहाँ पर अकाउंट डिटेल्स आएगी, या तो आपको यहाँ पर अपने अकाउंट डिटेल्स भर देनी है। उसके बाद नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर ये सारी जानकारी चेक करके आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद फ्रेंड जब आप आगे बढ़ेंगे इसके बाद तो अब आपसे पेमेंट के लिए बोलेगा और आपके सामने UPI का पेज आ जाएगा। तो आपको फोन पे UPI से किसी से भी जो इसका पेमेंट है वो कर देना है, जितने की आप FD खुलाना चाहते हैं तो उतना पेमेंट आप यहां पर ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। इसके बाद देखिए इस प्रकार से पेज आएगा और यहाँ पर अब आपसे बोल रहा है कि यहाँ पर आपको क्लिक हेयर टू अकाउंट ओपनिंग पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से पेज आएगा कि आपको अपना एक ओरिजिनल पैन कार्ड अपने पास रखना है, ब्लैंक पेपर और एक पेन रखना है, और यहाँ पर देखिए आपका मोबाइल पे DND ऐसा कोई एक्टिवेट नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का कॉल आए, और जहाँ पर आप KYC करें तो उनका बैकग्राउंड जो है वो वाइट होना चाहिए, ऐसा इन्होंने बताया है। इसके बाद परफॉर्म वीडियो KYC पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो KYC का पेज आएगा और इस प्रकार से देखिए सबसे पहले लोकेशन अलाउ करने के लिए बोलेगा और ये आपका इस प्रकार से कैमरा चालू हो जाएगा और अब आपकी यहाँ पर वीडियो KYC कंप्लीट होगी। जब आपकी वीडियो KYC कंप्लीट हो जाएगी तो आपको वापस से इसी पेज पे आ जाना है और अब आपको कुछ समय का इंतजार करना है। और जब आपके सारी जानकारी आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भेज दी जाएगी, वहां पर बता दिया जाएगा कि आपकी FD यहां पर बुक हो गई है। तो दोस्तों इस प्रकार से आसानी से आप जो है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपनी FD ओपन करा सकते हैं, वो भी घर बैठे। और उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।